नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। गरीब की झोपड़ी में लगी आग, गृहस्थी जलकर हुई खाक। जालौन कोचनगर के मैसपुरा रोड गिरवर नगर आराजी लाइन के रहने वाले हरिशंकर पुत्र बंसी, जो मजदूरी का काम करते हैं, अचानक उनकी झोपड़ी में आग लग गई, जिससे घर में रखी गृहस्थी का सामान, कपड़ा, खाने पीने का सामान, गेहूँ मटर आदि जलकर खाक हो गया। आस पड़ोस के लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना पर पहुंची दमकल कर्मियों तथा आसपास के लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उप जिलाधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि आग की घटना संज्ञान में है। नायब तहसीलदार विदित कुमार, पूर्ति निरीक्षक याकूब हसन को मौके पर भेजकर सहायता दी गई तथा आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। सर, यहाँ जो आग लगी है, ये इनका कितना नुकसान हो गया है, किस तरह से आग लगी है, क्या सहायता हुई है सरकार की तरफ से? अभी मूल्यांकन किया जा रहा है। हमारे लेखपाल साहब लगे हैं, सदर के अमीन साहब लगे हैं, और मूल्यांकन जैसे ही होगा, वो क्षतिपूर्ति का जो भी मूल्यांकन के आधार पर आंकड़ा आएगा, उस आधार पर इनको जो भी सहायता शासन की तरफ से अनुमन्य है वो दी जाएगी। अभी फ़िलहाल हमने ये किया है कि हमने अपने सप्लाई इंस्पेक्टर साहब के साथ मिलकर इनको अभी खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया है, जिससे कि इनका जो आज का शाम का भोजन है वो बन जाएगा। साथ ही सामाजिक तौर पर जो स्वैच्छिक सहयोग लोग जो करते हैं, उसको भी किया गया है, तो आज का इनका सवाल का जो संकट है वो कट जाएगा। आगे हमने तहसील स्तर पर जो दैवीय आपदा के अंतर्गत या जो अन्य अनुदान की जो स्थितियाँ हैं, उनमें हम लोग जाँच पड़ताल कर रहे हैं, उसके आधार पर। सर, ये जांच वाला मामला जो रहता है, वो क्या ऐसा तो नहीं कि कई दिन लग जाए, क्योंकि इनके पास तो आज खाने के लिए कुछ तो है नहीं। आज का एक दिन का, दो दिन का राशन मान लीजिए दे दिया आपने, आगे भी इनकी कुछ ऐसा हो सके, इसमें कुछ जल्दी नहीं, हम इस चीज़ का स्थायी समाधान के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ आरआई साहब हैं, हमारे साथ सप्लाई इंस्पेक्टर साहब हैं, हमारे लेखपाल साहब भी हैं, अमीन साहब भी हैं, पूरा प्रशासनिक अमला जो सहयोग के लिए उत्तरदायी है वो यहीं पर मौजूद है, और यहाँ उनके सिग्नेचर वगैरह, आधार कार्ड वगैरह ले लिए गए हैं। आगे हम उसको फॉरवर्ड करा के कल शाम तक इसको। सर, कोई आग के लगने की कारण पता चला कुछ? अभी तक जो प्रथम दृष्टा, तो उन्होंने सब लोग ये मना कर रहे हैं कि नहीं मालूम है, लेकिन अभी हम लोग और पूछताछ करेंगे, उसके बाद मालूम पड़ जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा भैया? श्री हरिशंकर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? महेश्वरा रोड कोच। अच्छा, कैसे लगी आग जी, कुछ पता है? पड़ोस में लड़की के लगाने वाले आए थे, वहाँ जो है नहीं सब लोग थे, और एक बच्चा बोला कि नानी तुम्हारे घर में आग लगी है, देखो। तो सब लोग दौड़ पड़े, फिर कोई पता नहीं है कैसे लगी, क्या लगी, कहाँ से लगी, कोई पता नहीं था। अच्छा, आप घर पे नहीं थे क्या? नहीं, घर पे नहीं थे। कहाँ गए थे आप? हम गए थे माधोगढ़, बच्चे को लेके दौड़ा आ जाता, उसे सो बीमार हो गया था, तो वहाँ दवाई खिलाने गए थे, खिलवाने। शासन से कुछ मदद मिली आपको? हाँ, थोड़ा मदद मिला है, नहीं 50 किलो गेहूँ और चावल कुछ। इस पे आग जनी में कितना नुकसान हो गया लगभग? क्या क्या बर गया सामान? बरा तो है नहीं, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ जैसे हैं तैसा ही खड़े रह गए। क्या क्या सामान जल गया? सामान मटरा और तुम्हारा जो है नहीं कि 2-1.5 बोरा करीब मटरा होगा, और 3 बोरा पिसिया होगी, और 1 सवा बोरी जो है कनाव बोरा जो है 1 क्विंटल डेढ़ वो कनाव सरसों, और कूलर है,